नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से डिजिटल प्रश्न बैंक का हल, अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पहला प्रश्न लेते हैं, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हल सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है वह देख लेते हैं। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, अतः त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 10.5/2, जिसको हम लिख सकते हैं 5.25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसकी क्या दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई लिख देते हैं। तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई को हम दर्शाते हैं L से, तो L का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई L है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र है, बराबर पाई आर एल। पाई आर एल होता है, तो रख देंगे हम पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया यहाँ पर देखिए 10.5/2 लिख देंगे, 10.5/2 गुणा एल का मान है 10। तो देखिए ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, और बचा 3 7 5 35, एक संख्या के बाद दशमलव। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 22 × 15 5 75, तो 7.5। तो 22 × 7.5 दोनों का हम जब गुणा कर देंगे तो 165 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, 165 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। चलिए लेते हैं सवाल नंबर 2। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। चलिए हम इसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो लिख देते हैं दिया है या ज्ञात है। क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखते हैं सूत्र, तो सूत्र लगा देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान, त्रिज्या आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई एल का मान है 10 सेंटीमीटर। अब 7 से 7 हम काट देंगे यहाँ पर, तो 22 का जब 10 से गुणा होगा तो 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है। अब लेते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे हल। सबसे पहले हमें लिखना है कि दिया है, क्या दिया है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ये हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगा देंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², तो मान रख देंगे यहाँ पर। क्या है मान, देखिए 4π का मान है 22/7, r² यानी त्रिज्या का मान है 7, तो घात 2 होने के कारण 7 × 7, एक 7 से इस 7 को हम काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, 22 × 4 हो गया 88 × 7, तो 7×8 हो गया 56 की 6 हासिल का 5, 7×8 56 और 5 हो गया 61, तो यहाँ हो गया 61 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है जो 4 नंबर का। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें लिखना है हल में ज्ञात है या दिया है, क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन, शंकु का आयतन v बराबर 1570 घन सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी है ज्ञात करनी है। सूत्र लगा देंगे, शंकु का आयतन बराबर, देखिए 1/3πr² h, ये सूत्र है। तो चलिए इस सूत्र में हम दिए गए मानों को रख देंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570, 1/3 पाई का मान जो हमें रखना है वो है 3.14 r² तो हमें पता नहीं है, h का मान हमें क्या पता है, 15 सेंटीमीटर। तो इसके अलावा जो भी है सबका पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे, तो देखो पहले 3 को काट दिया, 3×5=15 और r² बस वहीं रह जाएगा, बाकी 1570 के बटे आ जाएगा 3.14 × 5, इस 5 से अब 1570 को काटेंगे तो हो जाएगा 5×3=15, 5×1=5 और 5×4=20, 314/3.14 है तो 0.1 लगा देंगे तो हो जाएगा 314×0.1 और उसके बाद 2 संख्या है तो 2×0 = 314 ही हो जाएगा। 314 से 314 कट जाएगा, r² = 100 को हम लिख सकते हैं 10^2, तो r बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। r हमें त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई, 10 सेंटीमीटर, तो सीधे उत्तर लिख देंगे शंकु की त्रिज्या r = 10 सेंटीमीटर है। सवाल नंबर 5 है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, पहले वाला ऊंचाई है और फिर दूसरा वाला तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो हमें तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें, देखो शंकु में
एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो एल स्क्वायर, एल कितना है 28 का वर्ग बराबर एच का वर्ग यानी 21 का वर्ग धन आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, तो इससे हमें आर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 28 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 784 बराबर 21 का वर्ग यानी 21 गुणा 21 441 धन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर वहीं रह जाएगा 784 ऋण 441 बराबर, घटा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर बचा 4 और यहाँ 3, आर स्क्वायर बराबर 343। तो आर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 × 7, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 × 7 × 7, 7 का जोड़ा बन जाएगा तो 7 बाहर हो जाएगा, तो 7 × 7 ये सेंटीमीटर में आ गया हमारा त्रिज्या का मान। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है, देखिए क्या है इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर 1/3 πr² h, तो देखिए 1/3 और यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर यानी आर का मान देखिए कितना है 7 × 7 × 7 × 7, ये हो गया आर स्क्वायर, और h का मान हमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए h का मान है 21, ये 21, तो ये हो जाएगा 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए ऊपर हो गया 22 और ये करणी 7 और करणी 7 मिलकर हो गए 7 और 7 × 49 × 21/3, तो 3 × 7 भी हो गया 21। अब इस पूरे का हम कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा देखिए 49 से 7 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 7 = 63 हासिल का 6 × 7 = 28 और 6 = 34 गुणा, और ये वाला 22 है, इस 22 का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6 2 × 8 2 × 3 6 6 8 6 6 14 × 4 हासिल का 1 14 × 1 15 × 5 हासिल का 1 6 और 1 7, तो उत्तर हमारा प्राप्त हुआ 7546। तो यहाँ लिख देंगे 7546 घन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब लेते हैं छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 g/cm³ है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल में ले लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख दिया, दिया है धातु की गेंद का व्यास, व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ये हो गया व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 4.2/2, तो 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो लेते हैं गेंद का आयतन बराबर 4/3, गेंद कैसी है गोलाकार है, तो 4/3 πr³। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे 4/3 π का मान हो गया 22/7 और r³ यानी 2.1 × 2.1 × 2.1। चलिए तो अब हम इसे लिख देते हैं, इस 7 से काट देंगे, 7 × 3 = 21 पॉइंट एक संख्या के बाद है तो 1.0.3, फिर 3 से काट देंगे तो 3 × 1 = 3 = 0.1,
तो क्या बचा देखिए, 4 गुणा 22 गुणा 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। तो हम गुणा कर देते हैं, 22 चौके 88, एकम 88, एक संख्या के बाद दशमलव, ये आ गया। और 21 गुणा 21 441, एक और एक दो संख्या के बाद दशमलव, 4.41। अब कर देते हैं गुणा दोनों का, तो देखिए 8 एकम 8, 8 चौके 32 की 2 हासिल का 3, 8 चौके 32 33, 34 35। फिर आ गया सेम संख्या और इनको जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 8, 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 1 8, और ये 5 और 3 8, और फिर है 3, और 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, तो 38.808। तो ये आ गया 38.808, ये हो गया घन सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान का सूत्र हम जानते हैं क्या है, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन, घनत्व गुणा आयतन, ये सूत्र भी हमें याद रखना है बच्चों। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, हमें घनत्व दिया हुआ है, देखिए घनत्व कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो कितना है 8.9, और आयतन कितना दिया हुआ है 38.808। और जब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 345.39। अब द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा ग्राम में, तो 345.39 ग्राम यहाँ पर लगभग हमें मान प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब लेते हैं अंतिम प्रश्न, एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ले लेते हैं एक अर्ध गोलाकार कटोरा और इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या ऊंचाई बराबर होती है। तो इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो हमें हल में लिखना पड़ेगा। तो दिया है में हम क्या लिख देंगे, अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है, अर्थात अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन क्या हो जाएगा, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3। तो यहाँ मान रख देंगे 2/3, पाई का मान रख देंगे 22/7, ये हो गया 22/7, और आर का मान है 3.5 × 3.5 × 3.5, आर की घात 3 है, तो ये हो गया 7 × 5 = 35, एक संख्या के बाद दशमलव। और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो 22 × 2 = 44, तो देखिए ये हो गया 220 और एक संख्या के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर हो जाएगा 22.0 × इन दोनों का गुणा हो जाएगा 1225 और दो संख्या के बाद दशमलव, और बटे में हो जाएगा 3। चलिए अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 12.25 में 22 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हासिल का 1, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, फिर 2 × 2 = 4 और 2 = 2,
फिर 0, 5, 4, 2 तो 0, 5, 9, 6, 2 कितना प्राप्त हुआ। दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे 269.50 269.50 में 3 का भाग दे देंगे तो दे दीजिए क्या हो जाएगा 3 8 24 फिर बचा 2 उतारे 9 फिर 3 9 27 फिर बचा 2 3 8 24 और फिर बचा 1 तो 3 3 9 तो 89.83 घन सेंटीमीटर। इस तरह से हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ लिख देंगे अर्धगोलाकार कटोरे में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर 89.83 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।